हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक नंबर सेकंड। जिससे पहले हमने डायग्राम देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो उसके अंदर हमने काफी सारी चीजें देखी थी। कुछ थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और बाकी होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। तो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर बांटा जाए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उनको दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या फिर एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। एक तो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक है सेकेंडरी या फिर एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इनका काम होता है एक तो मेल हार्मोन बनाना, प्रोड्यूस मेल हार्मोन, मेल हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन, एंड्रोजन। और मेल के अंदर ये कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। और भी होते हैं लेकिन जो मेजरली पाया जाता है वो है टेस्टोस्टेरोन। और ये हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल की रिंग में पाई जाती है। तो इनका काम है टू प्रोड्यूस द मेल हार्मोन एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन, जो कि क्या करता है, स्पर्म के प्रोडक्शन में भी भाग लेता है और साथ में हमारे अंदर जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स दिखाई देते हैं कि आवाज का भारी होना, चेहरे पर मूंछ दाढ़ी का होना, मसल्स का थोड़ा सा स्ट्रोंग होना, ये सब इसी हार्मोन की वजह से होते हैं। और दूसरा काम है टू प्रोड्यूस मेल गैमेट, प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। और हमारे अंदर मेल गैमेट्स को क्या बोला जाता है, दैट इज स्पर्म्स। स्पर्म्स और स्पर्म बनने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटो जेनेसिस। ओके, तो ये दोनों काम जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, मेल के अंदर, ये दोनों काम किए जाते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के द्वारा। और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? वन पेयर ऑफ टेस्टीज। तो यहाँ पे मैंने ई एस लगाया है, तो इसका मतलब मैं दोनों टेस्टीज की बात कर रहा हूँ, ये प्लूरल वर्ड है। ओके, तो ये टेस्टीज मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसके दो काम है, एक तो मेल हार्मोन या एंड्रोजन या फिर जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं उसको बनाना, और दूसरा स्पर्म का प्रोडक्शन कराना। और स्पर्म हमारे अंदर होता है मेल गैमेट, जिनके अंदर क्रोमोसोम के नंबर आधे होते हैं 23, या तो इस स्पर्म के अंदर एक्स वाला क्रोमोसोम होगा, यानी कि या तो इसका जीनोटाइप 22A+X होगा या फिर ये होंगे 22A+Y होंगे। मेल के अंदर दो तरह के स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, एक्स क्रोमोसोम वाले और एक वाई वाले। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर अगर ये वाला स्पर्म एग के साथ फ्यूज करता है तो एक्स एक्स क्या होगा, एक्स और एक्स के मिलने से जो चाइल्ड होगा वो बेबी बेबी डॉटर होगी। ओके, लड़की होगी। और अगर ये वाला स्पर्म एग के साथ फ्यूज करता है तो एक्स वाई होने की वजह से जो बच्चा होगा वो एक लड़का होगा या मेल होगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन वे होते हैं जो कि किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्पर्म के मैचुरेशन, स्पर्म के सर्वाइवल या उसके स्टोरेज या उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। क्या क्या काम है इनके? टू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट या फिर स्टोरेज, स्टोरेज या फिर नरिशमेंट, नरिशमेंट। ओके, ये काम इनके हो सकते हैं, या तो ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं ये इसका स्पर्म्स का, या उनके स्टोरेज में पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर नरिशमेंट में भाग कर ले सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत स्पर्म सीमन के प्रोडक्शन में भी भाग ले सकते हैं, सीमन के प्रोडक्शन में भाग ले सकते हैं, सीमन प्रोडक्शन। क्योंकि जो टेस्टीज है वो सीमन नहीं बनाती है, सीमन के अंदर एक तो स्पर्म होते हैं और दूसरा फ्लूइड पार्ट होता है, तो सिर्फ स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टीज करती है, बाकी जो भी 90% फ्लूड पार्ट होता है
वो सेकेंडरी या एसेस्टी ऑर्गन के द्वारा किया जाता है, तो सीमन का प्रोडक्शन भी ये कर सकते हैं। अब इनके अंदर भी दो तरह के ऑर्गन होते हैं, एक तो इंटरनल सेक्स ऑर्गन और एक एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनेटिक में। तो इसके अंदर ऑर्गन्स कौन कौन से आएंगे उनको हम लोग देखेंगे। एक तो एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस ये सिंगुलर वर्ड है, एपिडिडाइमिस। ओके, उसके अलावा वास डिफरेंस, वासा या फिर किसी बुक में इसको लिखा हुआ है डक्टस डिफरेंस, डक्टस डिफरेंस। उसके अलावा डक्टल डिफरेंस आगे जाएगी तो वहां पर सेमिनल वेसाइकल, दो होती है ये लेफ्ट और राइट साइड में सेमिनल वेसाइकल। उसके बाद में एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके अलावा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या जिसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। उसके अलावा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जेनिटेलिया या एक्सटर्नल सेकेंडरी ऑर्गन जो होता है उसको बोलते हैं पेनिस, पेनिस। और इसके अंदर होता है यूरिथ्रा जो कि पैसेज प्रोवाइड करता है स्पर्म के बाहर जाने के लिए और साथ में यूरिन के पास आउट होने के लिए भी। लेकिन एक टाइम पर एक ही प्रोसेस होता है, या तो यूरिन पास आउट होगा या फिर सीमन पास आउट होगा, तो उसमें हेल्प करता है यूरिथ्रा, ऐसे होता है। चलिए तो क्या करते हैं, इसमें बच्चे से कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पहले क्या चीज आती है उसके बाद में क्या आता है, मतलब वास डिफरेंस पहले आएगा या फिर वास डिफरेंस से पहले आएगा, सेमिनल वेसाइकल का क्या रोल है या फिर ये काउपर्स ग्लैंड जो है इसका क्या रोल है। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक है, उस ट्रिक को देखते हैं, उससे काफी हेल्प मिलेगी इनको, उसी ऑर्डर में ध्यान याद रखना है जिस ऑर्डर में मैं बताऊंगा। चलो फटाफट इसकी ट्रिक देखते हैं और उसके बाद केस्टीज के स्ट्रक्चर देखेंगे और सभी एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स इनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। तो आपको ध्यान रखना है, एक कोड ध्यान रखना है, बताता हूं मैं कोड क्या है। श्री श्री वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर ने वरुण धवन, वरुण धवन के घर से, के घर से, श्री वेंकटेश्वर ने वरुण धवन के घर से एक पुराना, एक पुराना बल्ब उठाया। चलिए कोड ये, श्री वेंकटेश्वर ने वरुण धवन के घर से एक पुराना बल्ब उठाया। यहाँ पे जो ध्यान रखना है वो एक एस लेटर ध्यान रखना है, यहाँ से आर, यहाँ से वी और ई, यहाँ पे भी वी और डी को ध्यान रखना है, यहाँ पे एस और फिर ई, यहाँ पे पी, यहाँ पे पूरा बल्ब और यहाँ पर यू टी एच। चलिए तो देखते हैं क्या क्या कोड है इनका। एस एच, एस एच यहाँ पर आर आई है जो, तो इनका क्या क्या मतलब है। एस का मतलब है यहाँ पर सेमिनी फेरस, सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल, सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल जहां पर स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। उसके बाद में आर का मतलब होता है रेटी टेस्टी, क्योंकि सारी सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल आगे चलकर एक नेटवर्क बनाती है
जिसको बोलते हैं रेटिन टेस्टीज, रेटिन टेस्टीज, श्री का मतलब ये हो गया। फिर वेंकटेश्वर, तो वहां पर वी का मतलब है, वी का मतलब वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, डिफरेंशिया, ओके। रेटिन टेस्टीज बाद में आगे चलकर वासा डिफरेंशिया में जाकर ओपन होगी। वी और ई, तो इन दोनों का ध्यान रखना है, वी और ई, यहां से वासा डिफरेंशिया। उसके बाद में वी और डी, वी और डी, तो वी का मतलब है वासा, या फिर इसी को बोलते हैं डक्टस, डी फॉर डक्टस, वासा डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस, इसमें जाएगा फिर, ओके। उसके बाद में एस ई, से जो आ रहा है एस ई, इसका मतलब है सेमिनल, सेमिनल वेसाइकल, ठीक। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, ई फोर, ई के जो आ रहा है ई फोर, इजैकुलेटरी, इजैकुलेटरी डक्ट। उसके बाद पुराना पी फोर, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद बी यू एल बी, बल्ब का क्या मतलब, बल्बो यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल, या फिर इसका दूसरा नाम हमने क्या बोला था, काउपर्स, काउपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल या काउपर्स ग्लैंड। उसके बाद उठाया, तो यू पी एच, इसका मतलब यूरिथ्रा, यूरिथ्रा, और उसके बाद फिर पेनिस, और उसके द्वारा ओपनिंग हो जाती है बाहर की तरफ। तो ये था बच्चों कोड। एस फोर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे चलकर एक नेटवर्क बनाती है ट्यूब्यूल्स का, जिसको बोलते हैं रेटिक एस्टीज। ये रेटिक एस्टीज आगे चलकर खुलेगी वासा डिफरेंशिया में, वासा डिफरेंशिया आगे चलकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, जो लगभग 70 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, उसको बोलते हैं वासा डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस। ये दो होती है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ये फिर आगे चलकर कहां पर खुलती है, सेमिनल वेसाइकल के साथ इजैकुलेटरी डक्ट में, सेमिनल वेसाइकल। तो सेमिनल वेसाइकल जो होती है, इसका काम एक तो फ्रक्टोज बनाना और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस करना। फिर इजैकुलेटरी डक्ट है ये, और इनकी जो कॉमन डक्ट होती है वो इजैकुलेटरी डक्ट होती है, जिससे जो सीमन है वो आगे तक, आगे की तरफ भेजा जाएगा। फिर उसी टाइम पर प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो कि एक सिर्फ एक ही ग्लैंड होती है, और उसके अंदर कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वॉलनट शेप की एक ग्लैंड है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ एल्कलाइन जो मिक्सचर होता है वो सिक्रेट होता है, जो कि पैसेज को, जो कि यूरिनो जेनिटल पैसेज है जहां से सीमन को पास होना है, उसको न्यूट्रल करेगा, एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करेगा। उसके बाद में ये दो होती है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड, तो इनसे कुछ म्यूकस टाइप की चीज सिक्रेट होती है, जिसको म्यूकस ही बोलते हैं। तो वो क्या करता है, जो यूरिथ्रा है उसके पैसेज को थोड़ा चिकना बनाएगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को भी थोड़ा सा चिकना बनाता है। उसके बाद में फिर यूरिथ्रा, तो यूरिथ्रा जो होता है कॉमन पास पैसेज होता है, या कॉमन पाथवे होता है, कॉमन पैसेज, जहां से सीमन और जहां से यूरिन दोनों पास आउट होते हैं, लेकिन एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज पास आउट हो सकती है। चलिए बच्चों, तो ये था हमारा इसका को, इनको इसी सीरियल में आपको ध्यान रखना है, पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद फिर रेटेड टेस्टीज, उसके बाद में वासा डिफरेंशिया, फिर वास डिफरेंशिया के बाद वास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस, फिर सेमिनल वेसाइकल, यहां से कुछ फ्रक्टोज प्रोस्टाग्लैंडिन सब्सटेंस रिलीज होंगे, इजैकुलेटरी डक्ट आगे चलकर इसमें खुलेगी, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ मिल्की फ्लूइड, एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज होगा जो सीमन में मिलेगा, फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से क्या निकलेगा, एक म्यूकस लाइक सिक्रीशन होगा, जो कि इंटरकोर्स से पहले या सीमन के रिलीज होने से पहले पैसेज को थोड़ा चिकना बनाता है, और यूरिथ्रा एक कॉमन ओपनिंग है या कॉमन एक पैसेज है यूरिन के पास आउट होने के लिए और सीमन के पास आउट होने के लिए। चलिए, तो ये था हमारा कोड। इसके बाद हम देखते हैं एक एक करके इनकी स्ट्रक्चर और फंक्शंस आखिर क्या क्या होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे टेस्टीज की। तो ह्यूमन के अंदर या फिर जितने भी मैमल्स हैं, सभी में
दो टेस्टिस पाई जाती है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो ये जो टेस्टिस होती है जनरली सभी मैमल्स में एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लटकी होती है एक पाउच लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम का काम होता है कि वो टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रखता है, क्योंकि ये टेम्परेचर स्पर्म के सर्वाइवल, उसके मैच्यूरेशन, उसके प्रोडक्शन और उसके स्टोरेज चारों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। परंतु कुछ मैमल ऐसे भी हैं जिनमें जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है, ना कि बाहर स्क्रोटम में। तो वे होते हैं जैसे एलिफेंट हो गया या फिर व्हेल हो गई, तो उनमें एक पर्टिकुलर सीजन में ही टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आती है, और वो सीजन होता है उनका मेटिंग सीजन। ह्यूमन के अंदर भी हो सकता है कि जो टेस्टिस है, जब फीटस का डेवलपमेंट चल रहा होता है तो जो टेस्टिस होती है वे किडनी के थोड़ा सा नीचे की तरफ लगी होती है, फिर वहां से एक गोबर नेक्युलम स्ट्रक्चर होती है स्क्रोटम के अंदर जो कि उसको धीरे धीरे खींचती है। तो वो इंग्विनल कैनाल के द्वारा होते हुए जो टेस्टिस है 8वें या फिर 8.5वें महीने में प्रेगनेंसी के, वो धीरे 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 स्क्रोटम में आ जाते हैं और एक स्ट्रक्चर से जुड़ जाते हैं जिसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कोट। चलिए टेस्टिस की बात करते हैं, इसको रफ करते हैं। टेस्टिस ये क्या है, ये सिंगुलर है। अब एक ही बात कर रहे हो तो टेस्टिस, और अगर एक से ज्यादा की बात कर रहे हो तो टीईएस, तो ये हो जाएगा हमारा प्लूरल के लिए। चलो ह्यूमन के अंदर वन पेयर पाया जाता है, वन पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट, वन पेयर आर प्रेजेंट। और ये कहां पर लोकेटेड होते हैं, लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी कैविटी, आउटसाइड बॉडी कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में ये बंद होती है, और उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रोटम, स्क्रोटम। जैसे छोटा सा एक डायग्राम देखते हैं इसका, ये रहा स्क्रोटम, यहां पर होती है ये कैविटी हो गई, यहां पर ऊपर की तरफ इंग्विनल कैनाल होती है, ऊपर एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो जो टेस्टिस है वो धीरे 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 यहां से या फिर यहां से स्ट्रक्चर के द्वारा, जिसको बोलते हैं गोबर नेकुलम, धीरे 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 यहां पर आने लगती है। साथ में ये जो है स्क्रोटम, ये भी एक स्ट्रक्चर के द्वारा थोड़े से अलग जाते हैं। ओके, तो ये टेस्टिस यहां पर आ जाएगी और फिर ये वाली भी ट्रेवल करती हुई यहां तक आ जाएगी। अब किसी किसी बच्चों में क्या होता है कि लगभग 8 महीने में ये जो टेस्टिस होती है वो किडनी के नीचे से इंग्विनल कैनाल के द्वारा होती हुई गोबर नेकुलम को खींचता है और नीचे की तरफ वो आ जाती है, और एक स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है, इससे हमारे एब्डोमिनल कैविटी से। तो किसी किसी बच्चे में क्या होता है कि जो टेस्टिस है वो डिसेंड नहीं कर पाती, नीचे नहीं आ पाती, तो उसको सर्जरी के द्वारा फिर नीचे लाया जाता है। तो ऐसे कंडीशन जहां पर टेस्टिस नीचे ना आ सके, स्क्रोटम में फेल हो जाए, डिसेंड ना कर सके, तो उसको मैंने बोला था, क्या बोलते हैं उसको, क्रिप्टोरकाइडिज्म, क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्या मतलब है इसका, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस का जब डिसेंड फेल हो जाता है या टेस्टिस स्क्रोटम तक नहीं आ पाती, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म। और ये थोड़ा, और ये इनफर्टिलिटी को भी कोस कर सकता है कि मान लीजिए जो बच्चा है उसके टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आए, वो काफी बड़ा हो गया, तो अगर टेस्टिस ज्यादा टाइम तक बॉडी कैविटी में रहते हैं तो उनका जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर के समान ही रहेगा, और वो टेम्परेचर उनको सूट नहीं करता है, क्योंकि उस टेम्परेचर पर स्पर्म का प्रोडक्शन
नहीं होगा। और एक एज आने के बाद में वहां से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो बनेगा, लेकिन जो बच्चा है उसके अंदर कोई भी स्पर्म नहीं बनेंगे, तो वहां पर इनफर्टिलिटी कॉज हो जाती है। स्पर्म के ना बनने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एजोस्पर्मिया, तो वहां पर कोई भी स्पर्म नहीं पाए जाएंगे। चलिए इसके स्ट्रक्चर देखते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। तो टेस्टी जो है दो है, और ये एक ओवॉइड स्ट्रक्चर होती है, लगभग 4 सेंटीमीटर के आसपास इनकी लेंथ होती है। कैसी स्ट्रक्चर है? ओवॉइड स्ट्रक्चर है, और इनकी जो लेंथ है वो लगभग 4 सेंटीमीटर के अप्रोक्स है, 4 सेंटीमीटर के आसपास इनकी लेंथ होती है। ओके, इनके चार तरफ एक कवरिंग होती है, एक कैप्सूल के अंदर ये क्लोज्ड होती है, एनक्लोज्ड इन ए कैप्सूल। उस कैप्सूल को क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजीनिया, ट्यूनिका एल्बुजीनिया, ये स्पेलिंग आप एक बार मैच कर लीजिएगा, ट्यूनिका एल्बुजीनिया। चलो इसकी छोटी सी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसी होती है ये। मान लीजिए ये है टेस्टिस का एक सेक्शन। इस टेस्टिस के सेक्शन के अंदर होता क्या है, इसमें बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, 250 के आसपास एक टेस्टिस में लोब्यूल्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा कोइल्ड एक स्ट्रक्चर होती है, नली टाइप की स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं इस पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसको बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो मान लीजिए इस तरह से कुछ ही लगी हुई है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, कुछ इस तरह से अरेंज है इनके अंदर। इनका कुछ भाग जो होता है आगे चलकर सीधा हो जाता है, और कुछ भाग इसमें कोइल्ड रहता है। जो भाग सीधा हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर्स होती है, काफी ज्यादा कोइल्ड होती है ये। एक लोब्यूल के अंदर इस तरह की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के नंबर 1 से लेकर 3 तक हो सकते हैं। ये आगे चलकर एक नेटवर्क टाइप की स्ट्रक्चर बनाती है, एक नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं रेटे टेस्टिस। फिर ये आगे जाएगा और यहाँ पर एपिडिडाइमिस होता है, लेकिन उससे पहले वास डिफरेंशिया। तो ये आगे चलेगी, आगे फिर से एक नेटवर्क टाइप की स्ट्रक्चर बनाएगी इस तरह से, और फिर ये इधर से पास आउट हो जाएगी। ओके, यहां से फिर ये इस तरह से होगी। ओके, तो इसके चार तरफ क्या बताया था मैंने कि एक कवरिंग पाई जाती है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजीनिया। ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, जिन लोक्यूल्स के अंदर ये है, ये जो लोक्यूल्स है इनको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक लोब्यूल्स। एक टेस्टिस में इनके नंबर 250 के आसपास हो सकते हैं। ठीक है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके चार तरफ का जो रीजन है उसको बोलते हैं इंटरस्टीशियल स्पेस या रीजन, और यहां पर पाई जाती है इंटरस्टीशियल सेल्स या लीडिंग सेल। और लीडिंग सेल जो होती है ये क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है। ह्यूमन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन बनाता है? इंटरस्टीशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है इनके अंदर दो तरह की सेल्स पाई जाती है, कौन कौन सी? एक तो स्पर्मेटोजेनिक सेल या जिनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो आगे चलकर मियोसिस होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन करेगी। इसके अलावा सर्टोली सेल। तो इसका क्या काम होता है? ये नरिशमेंट का काम करती है, जो स्पर्म बने हैं उसको नरिश करना, तो इसका नरिशमेंट का काम होता है। उसके बाद यहां पर ये जो नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस, और फिर ये आगे वाली स्ट्रक्चर वासा डिफरेंशिया,
हुआ सर डिफरेंशियल। और यहाँ सर ये जो एक ट्यूब है जो कि यहां से स्पंज को लेकर जाएगी उसको बोलते हैं वासा डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस, फिर बाद में जाकर खुल जाती है वहां पर सेमिनल वेसाइकल से कुछ लिक्विड आएगा, फिर इजैकुलेटरी डक्ट होगी, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद में फिर क्या होगा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वहां से एक सीक्रेशन आएगा जो सीमन में मिक्स होगा, फिर बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड से एक सीक्रेशन आएगा और बाद में सीमन जो है वो यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो बच्चे उसका पैसेज देखते हैं क्या पैसेज था। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनका क्या काम होता है स्पर्म का प्रोडक्शन में हेल्प करना, साथ में इनके चारों तरफ इंटरस्टीशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स होती है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्त्रावित करती है या सीक्रेट करती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे चलकर एक नेटवर्क बनाती है, उस नेटवर्क को बोलते हैं रेटे टेस्टिस, क्या बोलते हैं उसको रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के बाद में अगली वाली स्ट्रक्चर को बोलते हैं वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया। उसके बाद वासा डिफरेंशिया के बाद में ये जो होती है आगे चलकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ जाती है जो कि इसको यूरिनरी ब्लैडर और पेनिस की तरफ लेकर जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस, वासा या फिर डक्टस डिफरेंस। ये दो ट्यूब्स होती है एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, ओके, जो यूरिटर होता है उसके पीछे की तरफ लोकेटेड होती है या उसके पीछे की तरफ से निकल कर जाती है। वासा डिफरेंस के बाद में फिर क्या कोड बताया था मैंने, वा क्या था कोड, श्री वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर ने वरुण धवन के घर से, वरुण धवन के घर से, ओके। फिर उसके बाद सेमिनल वेसाइकल, ये दो छोटी सी स्ट्रक्चर्स होती हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है एक तो फ्रक्टोस का फॉर्मेशन करना और साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन करना। यही प्रोस्टाग्लैंडिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाकर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का क्या कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, जिससे स्पर्म की मोटिलिटी ज्यादा हो जाती है और वो आसानी से एग की तरफ मूव कर सकता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और फ्रक्टोज जो होता है एनर्जी सोर्स होता है स्पर्म के लिए, स्पर्म अपनी एनर्जी फ्रक्टोज से ही लेते हैं। उसके बाद में इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट इसके अंदर सीमन की ओपनिंग होती है या इसमें आकर वो खुलता है, फिर यहाँ का जो लिक्विड होगा वो उसमें आकर खुलेगा इजैकुलेटरी डक्ट में। क्या था कोड, श्री श्री वेंकटेश्वर ने वरुण धवन के घर से एक इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, वरुण धवन के घर से एक पुराना बल्ब चुराया, ओके, एक पुराना बल्ब चुराया। फिर आएगी प्रोस्टेट ग्लैंड, ये कितनी होती है, सिर्फ एक होती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ एक होती है और इसका काम होता है टू सीक्रेट एल्केलाइन फ्लूइड, कुछ एल्केलाइन फ्लूइड को ये सीक्रेट करती है और इसके अलावा कुछ और व्हाइटिश फ्लूइड भी सीक्रेट करती है जो कि जाकर सीमन में ही मिल जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर भी हो सकता है, उस कैंसर को बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद में जो सीमन है वो आगे की तरफ, उसमें दो डक्ट और होती है, सॉरी दो ग्लैंड, पेनिस के ऊपर की तरफ दो ग्लैंड और लगी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बल्बो रिथ्रल ग्लैंड के घर से पुराना बल्ब, ओके, बल्बो यूरिथ्रल यूरिथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड, ये भी नंबर में दो होती है, बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर है और इनका काम होता है टू सीक्रेट म्यूकस, टू सीक्रेट म्यूकस लाइक सब्सटेंस जो कि पैसेज को, यूरिथ्रा के पैसेज को थोड़ा सा स्मूथ बना देते हैं, साथ में चिकना बना देते हैं और ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, टू सीक्रेट म्यूकस लाइक सब्सटेंस। इसका काम क्या होता है, लुब्रिकेशन कराना, चिकना बनाना पैसेज को, लुब्रिकेशन
कराना। फिर उसके बाद हमें पता है कि यूरिथ्रा के द्वारा पेनिस के अंदर यूरिथ्रा के द्वारा इसकी ओपनिंग होगी और फिर यहां से ये बाहर निकल जाएगा। तो ये था इनका पैसेज। सेमीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होगा, यहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। रेटिकेस की सेमीफेरस ट्यूब्यूल का एक नेटवर्क होता है जो आगे चलकर वासा डिफरेंस में खुलेगा। वासा डिफरेंस या वासा डिफरेंस में खुलेगी, दो ट्यूब्स होती है ये। उसके बाद में सेमिनल वेसिकल से फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन और सीमन के अंदर मिक्स हो जाएंगे। फिर इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा ओपनिंग होगी। प्रोस्टेट ग्लैंड से सीक्रेट होगा एल्कलाइन फ्लूइड जो कि फीमेल के वजाइना की पीएच को न्यूट्रलाइज करेगा और स्पर्म के सर्वाइवल रेट को बढ़ाएगा। उसके बाद दो होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड, इनको हम लोग बोलते हैं कॉपर ग्लैंड। इनका काम है म्यूकस लाइक सब्सटेंस को रिलीज करना जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है। और फिर यूरेथ्रा के द्वारा सीमन जो होता है वो बाहर निकल सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं इजैकुलेशन। तो यूरेथ्रा के द्वारा फिर बाहर इजैकुलेशन हो जाएगा। तो एक नॉर्मल पर्सन के अंदर इजैकुलेशन में स्पर्म के जो नंबर होते हैं सीमन में वो जनरली 400 to 500 मिलियंस माने जाते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, तो 400 या 300 भी इतना चल जाएगा। हाँ, इतना भी काफी है। तो 400 टू 500 मिलियन टोटल स्पर्म्स होते हैं और इनमें से सिर्फ एक ही होता है जो कि एग को फर्टिलाइज कर पाता है, बाकी के जो बीच में होते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ही वो दम तोड़ देते हैं। तो हम लोग जो होते हैं करोड़ों में एक होते हैं, इसलिए क्योंकि इतने सारे स्पर्म में से सिर्फ एक ही स्पर्म था जो कि एग के पास में जाकर उससे मिल सका, उसके साथ में फर्टिलाइजेशन कर सका। बाकी जितने भी कमजोर थे वीक थे उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, तो वो एग तक अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाए।